Hi friends, welcome to my channel Alia Creativity. Friends, आज मैं लेके आई हूँ newborn baby की 6 month तक के लिए boot socks बोलते हैं इसको. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए. फ्रेंड्स, मैंने 9 नंबर के सलाई लिए हैं और ये ऊन बेबी ऊन है. इसको मैंने डबल करके बनाई हूँ क्योंकि उसको डबल करने से ऐसे बूट के जैसा खराब होने के लिए. अब मैंने 25 फंदे डाली हूँ और एक उल्टा एक सीधा बनाना है उसको, मतलब रोंग साइड का. तो रोंग का तो फिर उल्टा तो ऐसे ही बनाएंगे और सीधे जो बनाना है उसमें साइड से लेंगे हम ऐसे. उल्टे तो ऐसे ही बनाएंगे. देखिए फ्रेंड्स, सीधा को हमने ऐसे इस तरह से लेंगे. इस तरह से ऐसे करके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा को ऐसे बनेगा, उल्टा को उल्टा ही ऐसे बनेगा. सीधा में ऐसे बनाने से बहुत सुंदर सी लरी लरी सी आती है. ऐसे करके 5 लाइन बनाना है. फ्रेंड्स, ये देखिए 5 लाइन बना लिया है. अब रोंग साइड आएगा, मतलब उल्टे लाइन. उल्टे लाइन में कुछ नहीं करेंगे, पूरा लाइन उल्टे ही बनाएंगे. इसे उल्टे बनाते हैं ऐसे. एक ये लाइन पूरा उल्टे ही बनेगा. ऐसे देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन उल्टे का बना लिया है. अब ये 25 फंदे थे तो 25 में से आधा आधा करके 14 14 14 नहीं, मतलब 20 में आधा आधा करके जो एक एक ही फंदे में डिजाइन डालना है. अब आधा आधा करते हैं. ये पहला वाला फंदा उतार देंगे फिर सीधा सीधा बना लेंगे. जैसे सीधा लाइन जो हम बनाते हैं नॉर्मल, वो बनाना है आधा तक. 25 है तो फिर 12 12 फंदा साइड में. हाँ देखिए, ये आधा आधा बना के जो बीच वाला है उसमें जाली डालना है. 1 2 3 4 5 6 से यानी 12 12 12. 1 2 3 4 5 6 7 जबकि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये कितना, आधा हमने 25 फंदे डाले थे. 25 सॉरी सॉरी 25 नहीं, 35 35 फंदे थे. 35 थे, 35 का आधा तो 7 7 14 17 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 बच रहा है. इसमें से एक 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 बांटेंगे जो
बीच में ये बचा है इसमें जाली हम ऐसे डालेंगे, धागा को आगे किया, फिर ले लिया, फिर धागा को पीछे किया, फिर एक ऐसे बना लिया, ये देखिए। फिर बाकी में कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल बनाना है। रोंग साइड में भी जैसे रोंग साइड का उल्टे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो जाली डाला है, ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए ये देखिए ध्यान से, इस साइड में और इस साइड में दोनों में जाली भरना है। जाली कैसे भरेंगे, धागा को आगे करना है और इसको सीधा लेना है ऐसे, फिर धागा को आगे करना है, मतलब दो बार लेना है इसको ऐसे, बस हो गया। इसी तरह जाली हमने 10 जाली बनाना है। फ्रेंड्स ये देखिए इसमें कितना जाली पड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अभी ये लास्ट जाली होगी, देखिए फ्रेंड्स धागा को इधर किया, फिर एक बनाया सीधा, फिर धागा को आगे किया, फिर ये बनाया और ये लाइन ऐसे ही बनाना है, ये लाइन पूरा करना है ऐसे। फ्रेंड्स दस जाली डाल दिया है। अब ये नीचे का ये एरी मतलब ये एरी वाला ये बनाना है, उसके लिए हमने ये सीधा है, ये रोंग साइड है, इसमें राइट साइड के जैसा बनाना है, मतलब कि ये जो रोंग साइड है इसमें राइट साइड के जैसा जैसे सीधा बनाना है, मतलब एक आगे वाला निकालेंगे फिर ऐसे रोंग साइड में राइट साइड के जैसा बनाना है, मतलब उल्टे में सीधा लाइन बनाना है। यह है तो हमें कितना बड़े बच्चे को बनाना है उस हिसाब से हम बनाना है। अभी कितना लाइन 5 लाइन बनाना है इसमें ऐसे करके। देखिए फ्रेंड्स ये दो दो गिनने में 5 लाइन है, एक एक गिनने में 10 लाइन है। और इस साइड में देखिए ऐसे आना है, इसको अब हम आधा आधा बांटेंगे, एक सलाई में आधा निकालेंगे, ऐसे करके आधा तक गिन के देखिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए।
ऐसे करके। एक बार गिन के दोनों बराबर है या नहीं वो देख लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 13 14। एक इसमें ज़्यादा है, इसमें एक बराबर करेंगे दोनों साइड से। ये अभी सीधा है, उल्टा करके घटाएंगे, इसको बंद करना है, मतलब इसको बंद करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से घटाएंगे, एक दूसरा एक सलाई और लिया है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके एक बार इस तरफ से, एक बार दूसरी तरफ से, ऐसे दोनों को ऐसे निकालेंगे। फिर दोबारा एक साइड में डालना है, दोबारा कहीं पे भी, मतलब आगे वाला साइड में या फिर पीछे वाला में, कहीं पे भी डाल दिया। तो ये जो डाला हुआ है, और दूसरा एक और लेके, और इस साइड से एक और लेके, तीनों को एक साथ गताएंगे। एक दो ऐसे करके, दोबारा डालेंगे फिर से। और वो जो डाला हुआ यही है, और दूसरा एक और लेके, और इस इधर से जो डाला हुआ वो एक, दूसरा एक लिया, और इस साइड से एक और, ऐसे करके तीनों को ऐसे करके लेना है। ऐसे करके पूरा गताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा गता दिया है। अब इसको काट के निकालेंगे, या फिर इसी के साथ आप सुई में धागा डाल के यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार सकते हैं। अभी इसको काट के सुई डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धागा ऊन को डबल करके सुई में डाल दिया है, ऐसे करके। सिलना है लास्ट तक, यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सिल दिया है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया। कम से कम 6 मंथ तक बच्चे के लिए आराम से हो जाता है। अब इसको बांधने के लिए हम बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके जैसा बांधने वाला। और ये देखिए, ऐसे क्रोशिया से बना हुआ है ये। इसको हम
यहाँ पे डालेंगे। क्रोशिया की मदद से इसको आराम से डाल सकते हैं। थोड़ा अंदर भी और थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर भी लेके ऐसे करके, अब ये इसमें भी इस तरह के बांधना है। दो ऊन लिया है ऐसे, पर ऐसे ऐसे करके इसमें ऐसे ऐसे करके बांधना है घुमा के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। ये बच्चे के पाँव में अगर पहनाओगे बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।